वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल। अच्छा, आज की वीडियो जो हमने बनाई है ये एग्जॉस्ट फैन के बारे में है। इसके ऊपर ना ये देखें, इसका एक ब्लोअर लगा हुआ है और ये मोटर है ना, ये मोटर है और साथ में ब्लोअर है। तो आज हम इसकी मोटर फिट करने जा रहे हैं। जो आपने पहला फोटो देखा वो एक्चुअली हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हम आज अचीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोटर को नई मोटर खरीद के लेके आए और मोटर की रेटिंग एज पर प्रीवियस रेटिंग के मुताबिक हमने लगाई। ये देखें, इसकी पहले कंडीशन ये वाली थी तो हम इसके मुताबिक एज इट इज में मोटर खरीद के लेके आए। ठीक है, मोटर की रेटिंग और लाइन न्यूट्रल का हिसाब किताब इसके ऊपर लिखा होता है। मोटर के कनेक्शन जो है ना, इसके साथ ही एक कुने पॉइंट बना होता है ये सामने वाला। एक मिनट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से ना। ये देखें, ये यहाँ पे दो कनेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, ये तो इसके ऊपर हम सप्लाई देंगे। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं मोटर को, तो और इस जगह के ऊपर इंस्टॉल होगी। ये ब्लोअर लगा हुआ है इसके अंदर, देखिए। तो यहाँ पे मोटर इंस्टॉल करेंगे, तो अभी हम मोटर को इसके साथ लगा के फिर इसका बेल्ट चढ़ाएंगे। अच्छा, जो इसका प्रीवियस बेल्ट का नंबर है वो देख लें, या आप हिट एंड ट्राई से भी चेक कर सकते हैं, तो वो उसका जो सेम बेल्ट साइज होना चाहिए। अब देखिए, इसका जो है ना ब्लोअर, उसका भी ब्लोअर में थोड़ा इसका इशू है, तो इसको भी मैं खोलूंगा और अभी इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, साथ में इसको खोल दिया। फिर खोलने के साथ हमने कोशिश की कि इसके ऊपर चेक किया जाए कि क्यों स्टॉप हुआ पड़ा, क्योंकि ना इसमें ब्लॉकेज आई हुई पड़ी है। तो इसका रबड़ वगैरह निकाल लिया। ठीक है, ऊपर वाला सारा कुछ खोल के तो इसके अंदर से हम अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा, ठीक है, तो हमने इसके ऊपर WD-40 लगाया है, जो नहीं जंग वगैरह उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो पहले वाला था उसके लिए हमने एलन की इस्तेमाल की, ये वाला जो अभी आपको पीछे देखा ना नट खोलते हुए यहाँ पे। एक मिनट, ये यहाँ पे एलन की हमने इस्तेमाल की, ये देखें, इसको इसको खोलने के लिए एलन की इस्तेमाल, ये भी एलन की से खोला, सही है। तो इसका सारा कुछ खोलने के बाद इसको हमने और सारा अंदर से हमने उसकी क्लीनिंग वगैरह की और फिर एज इट इज ब्लोअर को फिट कर दिया। ठीक है, ब्लोअर के साथ उसके वो WD-40 वगैरह लगा के, ताकि इसके ऊपर जंग शंग ना हो। ठीक है, इसकी रोटेशन को सही तरह ऐसे गो थ्रू किया ताकि सही तरह चलना शुरू हो जाए। अब हमने अगला काम जो करना है, ये मोटर को फिक्स करना है। तो मोटर को इसके ऊपर यहाँ पे लगा के और उसके साथ बेल्ट हम उसका चढ़ा देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि देखिएगा सही चलती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ग्रीस वगैरह भी कर दें, क्योंकि एक दफ़ा बार बार तो मशीनें खुलती नहीं है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर ग्रीस वगैरह चढ़ा के दोबारा से सही तरह से इसको फिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऊपर वो चढ़ा मोटर लगा के इसको चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी ये वाली मोटर इसके ऊपर फिक्स करते हैं। बस दो नट लगाने होते हैं यहाँ पे कनेक्शन लगा के, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे के इसको हम अभी टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बेल्ट वाले का इसका चढ़ा दिया आराम से, ये देखिए। ठीक है, ये मोटर चल गई, इतना सा काम तुम्हारा। तो आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बस इसके ऊपर एक कवर पड़ा होता है वो रख देते हैं। ठीक है, ये कवर, ये इस तरह से हमें नजर आता है एग्जॉस्ट फैन। इसके अलावा भी आगे पीछे भी एग्जॉस्ट फैन और भी लगे होते हैं। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।